हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बुधवार को घोषणा की कि पार्टी के मौजूदा सांसदों को राज्य में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस घोषणा से लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के हरियाणा चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया है। कांग्रेस महासचिव और हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि पार्टी के सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दीपक बावरिया ने कहा कि किसी को भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा सांसद राज्य चुनावों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी की बैठक में 25 सीटें और संभावित पैनल पर चर्चा हुई है। किसी भी सांसद ने टिकट नहीं मांगा है और हम किसी भी सांसद को चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगले महीने की 2 या 3 तारीख तक ये साफ हो जाना चाहिए। दीपक बावरिया ने घोषणा उन अखबारों के बीच की गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सिरसा से लोकसभा सांसद शैलजा ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने में रुचि दिखाई थी। वो कांग्रेस का एक प्रमुख दलित चेहरा भी है। इस बीच हरियाणा भाजपा ने हिंदी में एक्स पर पोस्ट किया कि भाजपा ने पिछड़े वर्ग से एक मुख्यमंत्री को पहले ही नामित कर दिया था। राहुल गांधी का दावा है कि वह अनुसूचित जाति समुदाय का पुरजोर समर्थन करते हैं। कांग्रेस को शैलजा जी को हरियाणा से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए ताकि पता चल सके कि वो अनुसूचित जाति समुदाय के कितने हितैषी हैं। कांग्रेस ने बुधवार को बैठक की जिसमें पार्टी 90 सीटों वाली विधानसभा में कम से कम 18 सीटों पर सहमत हुई। बावरिया ने यह भी कहा कि मौजूदा विधायक जो सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं या जिनकी अपने निर्वाचन क्षेत्र में खराब छवि है, उन्हें आगामी चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को होंगे जबकि नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। हालांकि हरियाणा भाजपा ने पिछले सप्ताह चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनावों को कुछ समय के लिए स्थगित करने का भी अनुरोध किया था। भाजपा का कहना है कि चुनाव तिथि से पहले और बाद में छुट्टियों के कारण पोलिंग प्रतिशत में कमी आ सकती है। हरियाणा कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में कई खेमे हैं। हुड्डा गुट के ऊपर हमेशा से शैलजा और सुरजेवाला को साइडलाइन करने का आरोप लगता रहता है। लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में हुड्डा के प्रभाव का साफ असर दिख रहा है, जहां भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी टिकट मांग रही थी लेकिन हुड्डा ने गुट के आगे श्रुति चौधरी को साइड लाइन कर दिया गया।